तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि अभी आने वाली है सकरात और अभी कुछ ही दिन बचे हैं सकरात को आने में। तो फ्रेंड्स यार, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग सकरात पे बहुत सारी पतंगे उड़ाते हैं, पतंगे लूटते हैं, फिर उनको उड़ाते हैं और फिर काटते हैं और फिर चिल्लाते हैं आई वो काटे। लेकिन फ्रेंड्स, जब भी हम लोग हमारी कहीं पतंग खरीदते हैं तो हमें सबसे पहले उसको क्या करना होता है, जब भी हम कोई नई पतंग खरीदते हैं, अगर हमारे पास लूटते हैं, हम लोग उसको कट के आती है, तो हम जो है बिना जो है उसके कोई दिक्कत के हम उस पतंग को उड़ा लेते हैं। लेकिन जब हमारे पास नई पतंग आती है तो हमारे पास दिक्कत होती है कि हमें उसमें बांधने पड़ते हैं टंग, और टंग बांधना भी सबको आता है लेकिन बहुत बोरिंग का काम है, तो यार बहुत थकने वाला काम होता है टंग बांधना, पर फिर भी हम किसी तरह उसमें टंग बांध लेते हैं। लेकिन उसके बाद फिर यार कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद यार हमें बहुत ज्यादा रोना आ जाता है। तो क्या होता है तो मैं आपको अभी समझाता हूँ। गाइस, ये होती है एक नॉर्मल पतंग जो कि हम लोग हमारी सकरात पे उड़ाते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको चील वाली पतंग बनानी सिखाई थी इसी पतंग से, तो उस वीडियो को यार जल्दी से जाके वॉच जरूर करना, मैंने उसकी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो फ्रेंड्स, जो नॉर्मल पतंग होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है, ये नॉर्मल साइज है, 5 रुपए वाली पतंग है। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो उसमें हम लोग बांध देते हैं टंग। ठीक है, टंग बांधने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, आपको पता ही होगा टंग बांधना भी, अगर आपको नहीं आता तो यार आपको आपको पता ही होगा कि टंग बांधना तो यार सभी को आता है ज्यादातर, अगर आपको नहीं भी आता है ना तो यार मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा, बस आप लोगों को कमेंट करना पड़ता है यार। कमेंट करने से भाई मैं जो आप बोलोगे ना मेरे को, मैं वो वीडियो बना दूंगा। तो उससे पहले यार जब हम लोग टंग बांध लेते हैं तो उसके बाद होती है बहुत बड़ी दिक्कत। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारी पतंग होती है उसको हमें जो है स्टेबल बनाना पड़ता है, मतलब इसकी जो ये डंडी होती है बीच वाली डंडी, ये होती है ना डंडी, तो इसको हमें क्या करना पड़ता है, इसको हमें फोल्ड इस तरीके से फोल्ड करना पड़ता है जिस साइड हमें पतंग की साइड उड़ाते हैं, मतलब जिस साइड डंडी नहीं दिखती है ना, मतलब जिस साइड आपको डंडी विजिबल हो रही है उस साइड हमें इसको फोल्ड करना पड़ता है। तो जैसे ही हम लोग कभी कभी तो जो है यहाँ पर हम लोग इस तरीके से फोल्ड करते हैं, ठीक है, तो जैसे कभी कभी हम लोग ऐसे फोल्ड करते हैं तो कभी कभी तो नॉर्मल हो जाती है, लेकिन कभी कभी हम लोग ज्यादा ही जो लगा देते हैं तो पतंग जो है कुछ इस प्रकार से टूट जाती है और हमारी सारी मेहनत हो जाती है वेस्ट। पर आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही नॉर्मल ट्रिक से बताने वाला हूँ कि आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं और वापिस से इस पतंग को वापिस कैसे नॉर्मल बना सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से भी टूट गई है और यहाँ से भी टूट गई है, पतंग किसी काम की नहीं बची है। लेकिन अगर आप ये वीडियो को पूरी देखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि इस पतंग का फिर हम इस पतंग को कैसे ठीक करा जाता है। तो इस वीडियो के लिए आप लोग एक लाइक कर देना, साथ ही में क्रेजी लाइफ एक्सप्रेस शॉर्ट्स के लिए सब्सक्राइब का बटन जरूर से दबा देना है, सब्सक्राइब का बटन दबाना जरूरी होता है, देखो चाहे तो आप पतंग को ऐसे मार के सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो चलो फटाफट वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको ठीक कैसे करा जाता है। तो देखो यहाँ से ये दो जगह से टूट चुकी है कुछ इस प्रकार से, यहाँ से टूट गई और जो दूसरी आई है वो यहाँ से टूट गई, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले जरूरत होती है इस टेप की, यह जो टेप है ये काफी जरूरी होती है। अगर आपके पास ये टेप नहीं है ना तो उसकी मैं दूसरी वीडियो ला दूंगा, मतलब इसको इसके इसको सही करने की दो ट्रिक होती है। तो पहली ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और अगर आपको इसका पार्ट को चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना। और उसके बाद आपको चाहिए, यानी कि आपकी अगर कोई भी पतंग फट जाती है ना, कभी भी जैसे फट जाती है, तो उसका आप एक छोटा सा पार्ट तोड़ सकते हैं बीच वाली डंडी का, बीच वाली डंडी होती है ना जो टूटी हुई पतंग होती है, तो उसका भी निकाल के इसको यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप झाड़ू के अंदर जो स्टिक होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको थोड़ी सी स्टिक चाहिए, आपको पूरी लेने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको हम लोग फाड़ लेते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये कचरा मेरे ऊपर गिर रहा है गाइस, तो देख सकते होंगे कुछ इस प्रकार से ये डंडी हमारी निकल चुकी है। देखो डंडी आपको नहीं दिख रही, इस प्रकार से डंडी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस डंडी का हमें इस्तेमाल करना है हमारे पतंग को जोड़ने में, ठीक है। देखो
गाइस जैसे कि आप अगर आपकी कोई बड़ी पतंग आपके पास कोई ढाल होती है ना इतनी बड़ी बड़ी, तो अगर वो टूट जाए तो आपका काफी नुकसान हो सकता है और आप जो है फेंक देते होंगे पतंग को। लेकिन यार आप उसको यूज भी कर सकते हैं, उसको वापस हम लोग ठीक भी कर सकते हैं और उसको वापस हवा में लहरा सकते हैं और काटेंगे और फेंकेंगे वो काटे। तो चलो अब इसको करते हैं। और अगर आपके पास ये पतंग वाली जो फटी हुई आपके पास कोई पतंग है नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस स्टिक के अलावा जो झाड़ू के अंदर जो इस तरीके की स्टिक होती है ना, उसको निकाल के थोड़ी सी तोड़ के उसे भी यूज कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की आप इसी डंडी को यूज कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी तो देखो अगर हमारी एक साइड से फटती यानी हमारी दोनों साइड से क्रैक टूट चुकी है डंडी पतंग की, तो हमें क्या करना है, इसको आधा आधा कर लेना है। और अगर हमारी एक ही टायर की मतलब एक ही साइड की टूटती बीच की टूटती, तो हमें फिर एक ही लकड़ी का यूज करना पड़ता। तो हम इसको एकदम बराबर का तोड़ लेते हैं। तो ये देखो ज्यादा परफेक्ट तो नहीं टूटी लेकिन इतने अंडे में काम हो जाएगा। ओके तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे हमें क्या करना है, जब यहाँ से पतंग हमारी टूटी हुई है, ठीक है टूटी हुई है ना, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसके ऊपर ये लगा देनी है, ठीक है इसके ऊपर लगा देनी है। और अब अगर आप शेप देख लो कौन सी है, मतलब ये पतंग देखो यहाँ से टूटी हुई है, यहाँ से आपको पता ही होगा टूट चुकी है। और हमें इतनी सी डंडी लेनी है, आप चाहे तो इससे भी छोटी ले सकते हैं लेकिन इतनी तो यार गिर गई भाई, यार क्या गिर जाती है हाथ से छूट के। पर यार आप लोग यार इससे छोटी डंडी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको ज्यादा लाइफ चाहिए इस पतंग की, तो आपको थोड़ी बड़ी डंडी लेनी होगी, क्योंकि अगर आप छोटी डंडी लोगे तो चांसेस है कि आपकी पतंग फिर से टूट सकती है। तो चलो अब चालू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस डंडी को यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, है ना ठीक है, तो क्या करना है, ये डंडी जो है नीचे की साइड घुस चुकी है तो उसको पहले बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इधर के साइड इसको ऐसे लगाना है, ठीक है ठीक है, देख रहे हो ना गाइस आप, तो इस साइड हमें इस प्रकार से लगाना है। और उसके बाद क्या करना है, हमें करनी है इसके ऊपर टेपिंग। और टेपिंग कैसे करनी है तो मैं आपको थोड़ा पास से दिखा देता हूँ, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आए। सो फ्रेंड्स चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें इसके आगे क्या करना है। तो हमें क्या करना है, जो डंडी है उसको लगा देनी है यहाँ पे। अब हमें इसको पेस्ट भी करना पड़ेगा तो इस प्रकार से, ठीक है जो टूटा हुआ पार्ट है ना इसका, वो इस वाली डंडी के एकदम सेंटर में आना चाहिए, ठीक है आधी डंडी उस वाली डंडी के साथ कनेक्ट। मतलब मैं आपको बताता हूँ, देखो ये जो स्टिक है ना, या ये जो ये जहाँ से टूटी हुई है जहाँ से डैमेज है, हमें बीच की साइड लेनी है और बीच की साइड को यहाँ पे लगाना है, ठीक है कुछ हमें नाप लेना है कि सही तरीके से लगी है या फिर नहीं। तो देखो कुछ इस प्रकार से, ठीक है ये सही लगी है ना अब ये। तो अब हमें क्या करना है, इस पर लगा देनी है टेप, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले तो बेस्ट तरीके से, उसके बाद आपको बड़ी टेप का इस्तेमाल करना है या फिर छोटी टेप का, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप छोटी वाली पतली वाली टेप यूज करोगे तो आपको हर साइड लगानी पड़ेगी, और बड़ी यूज करोगे तो एक ही वाली में काम हो जाएगा। तो मैं फिर भी आपको दिखाने के लिए छोटी टेप यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो डंडी है यहाँ पर डरे यारे डंडी गिर रही बाबा, एक सेकंड में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस तरीके से डंडी लगी हुई है, तो हमें यहाँ से लेके और यहाँ तक सीधी टेप लगानी है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें सीधी टेप लगानी है, मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ एक बार। एंड आप लोग यार वीडियो के लिए एक लाइक कर दिया करोगे, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि यार आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो यार मेरे को दुख होता है, इसलिए सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करो वीडियो को। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग तोड़ेंगे, और कैची नहीं है तो यार मुझसे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सबको पेश करना चालू कर देंगे, ठीक है। तो इस डंडी को मैं आपको अभी दिखाता हूँ पेश करके, हमने कैसे इस डंडी को पहले जो स्टेप है उसमें हमने लगा दिया है, ठीक है। अगर आपके पास कोई महंगी पतंग है और वो अगर इस तरीके से टूटती है तो आप ये कर सकते हो, लेकिन अगर कोई 2-4 रुपए वाली पतंग है तो यार उसको इतना ठीक करने की बजाय आप दूसरी खरीद लो, कितनी मेहनत थोड़ी करेंगे। जो फिर भी यार अगर आपको आप नहीं मतलब नहीं चाहिए आपको नई पतंग और उसी पतंग को वापस करनी है, तो फिर आप ऐसे जोड़ ही सकते हो यार डंडी को, और उसके अलावा और कोई तरीका है नहीं, ठीक है। और आपको बराबर पे लगानी है, डंडी के ऊपर डंडी लगानी है, कहीं अगर आपकी साइड में नीचे हो गई तो आपकी पतंग वापस टूट जाएगी, अगर आप उसको फिर सर से मतलब ऐसे ऐसे करोगे तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। तो ये आप लोग देख सकते होंगे
मैंने इस डंडी को अच्छी तरह पेस्ट कर दिया है, लेकिन अभी भी ये थोड़ा खुल रहा है साइड से। तो हम क्या करेंगे, सीधी तो हमने लगा दी, ठीक है। अब हमें कैसे लगानी है इधर देख लो। अब हमें लगानी है इस प्रकार से, मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से, तीन बार लगानी है। चलो वो लगा लेते हैं, क्योंकि हमारी सीधी जो है टेप अगर पतली है हमारे पास, तो पतली टेप में जो ऐसे अगर आपके पास मोटी है तो सीधी पेस्ट हो जाएगी आपकी पूरी पतल। तो चलो मैं आपको जो है एक ही साइड, मतलब यहाँ पे हमारी दो साइड टूट चुकी है, मैं आपको एक ही साइड को सही करके दिखाता हूँ सिर्फ, क्योंकि फिर आपको अगर एक साइड आपको ठीक करने आ गई तो आप फिर सारी कर सकते हैं, ठीक है। तो टेप यार आप लोगों के घर में होती होगी और 5 रुपए की आ जाती है टेप, अगर आपको ले, आप कहीं से भी ले सकते हैं स्टेशनरी से, और फिर उससे आप इसको अच्छी तरह पेस्ट कर सकते हैं। एंड अपने दूसरे चैनल क्रेजी लाइफ एक्सप्रेस को जाके भी सब्सक्राइब कर लेना, उसपे मेरे इंटरेस्टिंग ब्लॉग आते रहते हैं, ओके। और सकरात का भी स्पेशल ब्लॉग आने वाला है, तो आपको अगर आपको मेरा सकरात का ब्लॉग देखना है तो मेरे चैनल पे जाओ और उसे भी सब्सक्राइब करो, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो और ये हो गए हमारी थर्ड, ये लो, ठीक है। और हम अगर आपको जितनी आप टेप लगाओगे ना उतनी आपकी पतंग स्टेबल रहने वाली है, मतलब जितनी आप टेप लगाओ उतनी स्टेबल रहेगी आपकी पतंग, मतलब उतने कम चांसेस हो जाएंगे कि आपकी पतंग वापस टूटने वाली है, ओके। तो कुछ इस तरीके से चिपका लिया हमने, ओके। और अब हम क्या करना है, देखो ये हमने 4-5 यहाँ पे ऐसे इस तरीके से लगा लिया और अभी अच्छी तरह पेस्ट हो चुका है यहाँ पे, पर अभी भी 6 है, तो अभी क्या करना है पीछे वाली साइड टूट जाना है, ओके। अब पीछे वाली साइड में हमें क्या करना है, हमको एक डंडी ले लेनी है पतली सी, ओके। आप चाहे तो डंडी का यूज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको पतंग अपनी एकदम शानदार बनाने की वापस नहीं टूटे तो फिर आपको डंडी का यूज करना ही पड़ेगा वापस, पर मैं आपको बिना डंडी का यूज करके दिखा दूं। आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, इस पर टेप लगा देनी जहां से ये डैमेज हुआ है उस पर, ओके, जिससे ये पीछे की तरफ ना मुड़े। इसको मैं लगा देता हूँ, मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे लगाई है हमने, ओके। तो यहाँ पे लगा दिए, ओके। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग देख सकते होंगे ये पार्ट तो अभी टूटा हुआ है, लेकिन ये वाला पार्ट एकदम ठीक हो चुका है, ये देखो। अब यहाँ से भी आप पीछे से देखो तो मैं आपको एक मुड़ा के दिखा देता हूँ, देखो मैं फुल मुड़ा रहा हूँ उसको, लेकिन ये टूट नहीं रहा है, ये देखो। और ये पतंग हमारी स्टेबल हो चुकी है, देखो एकदम मस्त तरीके से, देखो नहीं टूट रही है अभी यहाँ से, और पीछे से भी ये नहीं टूट रही, देखो टूटने का नाम नहीं ले रही है, अब नहीं टूटेगी। तो क्या हुआ है, जो डंडी है यहाँ पे अब अटैच हो चुकी है, और ये हमारी यहाँ का जो एक हमारा डैमेज था वो ठीक हो चुका है। तो चलो हमें पतंग तो सही करनी है, तो चलो दूसरे वाले डैमेज को भी सही कर देते हैं, और इस बार मैं थोड़ी छोटी डंडी लूंगा, ठीक है, छोटी डंडी इस बार मैं यूज करने वाला हूँ। तो ये आ गई छोटी डंडी, अब आपको पता ही चल गया होगा कि हमें कैसे करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस साइड को देखो, ये साइड तो एकदम ठीक हो चुकी है, अभी नहीं टूटी, और बस ये साइड टूटी और ये साइड हमारी ठीक हो चुकी है, जो हमारी कुछ देर पहले टूटी हुई थी। तो अब हमें क्या करना है, इसी पे टेप चिपका देनी है डंडी की साइड, जिस टाइप डंडी दिखती है ना उस साइड टेप चिपकाना। आप पिछले साइड तो आप चिपका भी नहीं सकते, वहां चिपका दिए तो आपकी पतंग वापस खराब। तो हमें क्या करना है, हमें सेंटर में डैमेज वाले पार्ट को रखना है, ठीक है, जो हमारी स्टिकर्स थे उसके बाद वापिस, सबसे पहले सीधी टेप फिर टेढ़ी, ओके। तो मैं भी लगा देता हूँ उस पर, फिर आपको दिखा दूंगा, और पूरी पतंग आज हम सही करके रहेंगे और उसके बाद उड़ा देंगे इस पतंग को, तो हमारी पतंग वेस्ट नहीं होगी फिर ये। और आपको मेरे को पता ही होगा कि ज़्यादातर लोग जो है जब बीच में से डंडी टूट जाती है पतंग की तो उसे जब क्या करते हैं फेंक देते हैं, लेकिन हम उसे ठीक भी कर सकते हैं। तो चलो और चलो उस पर लगा देता हूँ मैं टेप, उसको भी सही कर देता हूँ, मैं पूरी पतंग को सही करके दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि हमारी अभी टूटी है एक साइड टूटती है, वो तो मेरी पता नहीं है, मैंने ज़्यादा जोर लगा दिया तो कुछ दो ही साइड टूट गई एक साथ, ऊपर की और नीचे की। बाकी कई पतंग में जो है फ्लेक्सीबल आती है डंडी, तो उसमें क्या होता है कितना भी पतंग को फोल्ड करें तो डंडी नहीं टूटती, लेकिन कई में कड़क आती है ना तो उसमें थोड़ा सा भी जोर लगाते हैं तो डंडी टूट जाती है बीच में से, ओके।
अगर हम लोग वैसे घंटे को फोल्ड नहीं करें तो हमारी पतंग ढंग से उठती नहीं है और हवा में लहराने लग जाती है। तो यहाँ से चलो ओके, तो ये लो ये दोनों साइड हमारी चिपक चुकी, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे अभी दोनों साइड में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलो अब इसको पीछे से भी चिपका लेते हैं, अभी भी थोड़ी सी इसमें जोर है तो हमें इसमें पीछे से भी चिपकाना पड़ेगा जब जाके ये होगी। तो एक और लगा देते क्योंकि हमें रिस्क नहीं लेना। अभी ये पीछे वाली साइड पे देखो टूटी टूटी हुई है ना, तो यहाँ पे भी हम लोग टेप लगाने वाले हैं और टेप का काफी यूज आने वाला है, बट टेप तो बहुत सस्ती सी आती है, तो आप अगर 1-5 रुपए वाली टेप खरीदोगे तो उसमें आप बहुत सारी पतंग को सही कर सकते हो। आपको क्रॉस शेप में है ना टेप लगानी है ताकि हर टाइप से चिपक जाए। ओके सो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देख सकते होंगे हमारी यहाँ जो पतंग है वो एकदम सही हो चुकी है, हम इसको उड़ाने लायक हो चुकी है और हम इसको आराम से उड़ा सकते हैं। देखो अभी कहीं से भी टूटी नहीं है, मैं पूरा जोर लगा रहा हूँ, लेकिन ये जो नई टूट रही है देखो ये देखो, ठीक है ओके। तो हमारी पतंग एकदम सही हो चुकी है जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, और पीछे से भी दिखा देता हूँ, ठीक है पीछे से भी दिखा देता हूँ। तो देखो पीछे से भी एकदम सही हो चुकी है और मेरी टूटी पतंग सही हो चुकी है। तो फ्रेंड जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमने हमारी दो साइड से टूटी हुई पतंग को कितनी अच्छी तरह सही कर लिया और हम इसको आराम से फोल्ड कर सकते हैं, अभी नहीं टूटेगी और आज ये जो है पतंग आराम से उड़ सकती है। तो हमने फटी हुई और टूटी हुई पतंग को सही कर दिया, तो अब मैं इसको उड़ाने के लिए रख देता हूँ और शाम को उड़ाऊंगा इसको। तो आज की वीडियो में इतना ही, आपको इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी तो उसके लिए यार आप लोग वीडियो के लिए एक लाइक कर देना यार, और सब्सक्राइब तो जरूर से कर देना क्योंकि आपके लिए ऐसी मस्त मस्त वीडियो आती रहती है। मैम हमारे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, उसमें अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आते हैं, वो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेंगे। चलो यार आज की वीडियो में इतना ही, तो जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।